एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल फैशन वेस्टर पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर पर बड़ी आसानी के साथ मोरिंगा या फिर सहजन के पत्तों का पाउडर बना सकते हो। सहजन के आयुर्वेदिक गुणों के कारण इसे सुपर फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मोरिंगा पेड़ के पत्ते, फूल, फल और छाल आदि सभी का इस्तेमाल किया जाता है। मोरिंगा के पूरे वृक्ष का इस्तेमाल औषधिक रूप में किया जाता है। सहजन का साइंटिफिक नेम मोरिंगा ओलिफेरा है। इसे ड्रमस्टिक प्लांट, हॉर्स रेडिश, वैन ऑयल ट्री आदि के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसे सहजन, मुनगा, दशमूल आदि के नामों से जाना जाता है। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज में इसे न्यूट्रिशन डायनामाइट के रूप में जाना जाता है। क्या आप जानते हो मोरिंगा का इस्तेमाल 100 से भी ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन को दूर करने में किया जाता है। मोरिंगा में 42% प्रोटीन, 125% कैल्शियम, 61% मैग्नीशियम, 41% पोटाशियम, 71% आयरन, 310% विटामिन ए और 22% विटामिन सी होता है। इसमें 92% मल्टी विटामिन, 46% एंटीऑक्सीडेंट गुण, 36% एंटी इंफ्लामेटरी, 20% एमिनो एसिड और 19% अन्य न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जिससे आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचे रहते हैं। साथ ही मोरिंगा 300 से अधिक बीमारियों के इलाज में काम आता है। मोरिंगा के पत्तों का पाउडर बनाने के लिए आपने सबसे पहले मोरिंगा की कुछ ब्रांचेस ले लेनी है और उसे अच्छी तरह से साफ पानी में 3 से 4 बार धोना है ताकि उस पर जमी हुई डस्ट और डर्ट जो है वो निकल जाए। और उसके बाद आपने 15 मिनट तक इसकी जो ब्रांचेज है उसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि उसमें से सारा पानी निकल जाए। सूखने के बाद पत्तों को ब्रांचेज से अलग कर ले। ध्यान रहे, स्मॉल फाइन स्टेम्स अगर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हार्ड स्टेम्स नहीं होने चाहिए। एक रिसर्च के अनुसार मोरिंगा के 100 ग्राम पत्तों में दही से 9% ज़्यादा प्रोटीन, संतरे से 7% ज़्यादा विटामिन सी, गाजर से 4% ज़्यादा विटामिन ए, केले से 15% ज़्यादा पोटाशियम, पालक से 25% ज़्यादा आयरन और दूध से 70% ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसके अलावा मोरिंगा के पत्तों में बीटा कैरोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, बी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोफिल और कई प्रकार के फिनोलिक्स पाए जाते हैं। और अब आपने इसको सन ड्राई करना है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। इसे साइड में रखें ताकि इसे हीट मिलती रहे और इसको एक पतले कपड़े के साथ ढकना है। और अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखोगे तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी। इसकी पत्तियों को सूखने में 5 से 6 दिन लगते हैं और आप देख सकते हो कि 6 दिन के बाद इसकी पत्तियां जो है वो पूरी तरह से सूख चुकी हैं। आप इसकी क्रंची और क्रिस्पी आवाज़ सुन भी सकते हो। आपने इनका कुरकुरापन खोने से पहले इसका पाउडर बना लेना है। मोरिंगा का पाउडर रूम टेम्परेचर में कम से कम 6 महीने तक ठीक रहता है। सेल्फ लाइफ को लंबा करने के लिए आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। याद रखें कि अगर आप इसे रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप रोज़ इसका 1/2 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मोरिंगा के पाउडर में विटामिन ए, बी, B1, B2, B3, B6, C और E के साथ काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। मोरिंगा पाउडर का सेवन इम्यून सिस्टम के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। इसमें आप मोटापे के साथ साथ पेट, लीवर, ब्रेन और आँखों की समस्या से भी बचे रह सकते हो। इसके पाउडर को आप एयर टाइट ग्लास कंटेनर में स्टोर करें।
तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का यहाँ पे एंड कर रही हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिखकर मुझसे पूछ सकते हो।